हाई गाइज, वेलकम बैक टू ट्रैवलोकॉर्न। इन टुडेज वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि मैं काफी ट्रैवल करती हूँ, मैं फुल टाइम ट्रैवलर, तो मेरी स्किन काफी ज्यादा हार्श क्लाइमेट के लिए मतलब के टुवर्ड्स प्रोन होती है और मेरी स्किन काफी डैमेज होती है। तो आई यूज अ वेरी सिंपल स्किन केयर रूटीन येट इफेक्टिव। सो विदाउट मच फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये जो स्किन केयर रूटीन है मेरा, ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग के लिए मैं फेस वॉश यूज करती हूँ बायोटीक का। दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव सीन टिल डेट। मेरे स्किन टाइप पे ये बहुत अच्छे से सूट करता है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं व्हिच आर नॉट वेरी हार्श ऑन द स्किन, येट दे हेल्प इन रिमूविंग द डेड स्किन सेल्स। तो फेस वॉश प्लस स्क्रब के बीच का ये काम करता है एंड इट इज रियली गुड, रियली माइल्ड ऑन द फेस। ना मैं रोज ट्रैवल लाइक मैं जनरली ज्यादा ट्रैवल करती रहती हूँ, तो उसके लिए आई नीड अ गुड स्क्रब फॉर माई स्किन टू। सो आई यूज दिस वन फ्रॉम लोटस हेयर। एक्चुअली मैं कोई भी स्क्रब यूज कर लेती हूँ जो थोड़ा हार्श कम हो एंड विच हैज योगर्ट इन इट, बिकॉज वो काफी हेल्प करता है आपकी स्किन से टैनिंग हटाने के लिए। तो आई एम यूजिंग दिस वाइट लो वन, ऑल्दो इट सेज कि व्हाइटनिंग स्क्रब है बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मतलब ओटमील और योगर्ट है विच इज गुड फॉर योर स्किन। फेस वॉश एवरी सिंगल डे एंड लाइक अ माइल्ड स्क्रब फेस वॉश एंड अ गुड स्क्रब एवरी ऑल्टरनेट डे। यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू यू। डेली स्क्रब नहीं यूज करते हैं बिकॉज इट्स अ बिट हार्श ऑन द स्किन, बट यू कैन यूज इट ऑल्टरनेट डेज पे या एवरी थर्ड डे पे एज योर स्किन नीड्स। सो आफ्टर क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग द नेक्स्ट स्टेप इज स्किन ट्रीटमेंट। तो वॉट आई यूज इज अ गुलाब जल एज अ टोनर। आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हो जो आपके स्किन पे अच्छा मतलब सूट करता हो आपको। आई यूज सिंपल गुलाब जल, दिस इज फ्रॉम क्वाइट अर्थ एंड यू कैन यूज एनी गुलाब जल, डाबर का गुलाब जल जो आता है जनरली, या यू कैन मेक इट एट योर होम, यू कैन यूज एनी गुलाब जल। आफ्टर दैट आई यूज एन एलोवेरा जेल। दिस रियली हेल्प्स मी कीप माई स्किन वेरी काम एंड स्मूथ, सो आई यूज इट जनरली। मैं इसको गर्मियों में ज्यादा यूज करती हूँ, आई लाइक यूज इट टू गिव माई स्किन काम, बट यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस एज अ प्राइमर बिफोर योर मेकअप। नाउ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन माई होल स्किन केयर रूटीन इज अ सेरम, मतलब ये बायोटीक का बायोडैनलाइन विजिबली एजलेस सेरम। दिस हैज वर्कड वंडर्स फॉर माई स्किन। मतलब मेरी स्किन जब मैंने इनिशियली ट्रैवल फुल टाइम करना स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी, स्कार्स एंड पिम्पल्स, ब्रेकआउट्स, टैनिंग, पिगमेंटेशन, बहुत कुछ। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज हेल्प अ लॉट। ऑल्सो द बेस्ट थिंग इज कि सीरम काफी महंगे होते हैं एंड दिस इज नॉट, आई थिंक दिस वन आई बॉट फॉर रुपीज 150 ऐसा कुछ इसका था एंड दिस इज रियली गुड। एंड बायोटिक में केमिकल्स नहीं होते हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ व्हाट यू नीड इज यू नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन। आप यू कैन ऑल्सो एड अ फ्यू मास्क लाइक होम मेड मास्क बिटवीन दीज स्टेप्स, बट आई जनरली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई यूज दिस मच एंड यही मेरे लिए काफी हो जाता है बिकॉज आई हैव टू कैरी एवरीथिंग इन माई बैग। सो फॉर मॉइस्चराइजिंग आई यूज एनीथिंग बिटवीन देम। दिस वन, दिस मॉइस्चराइजर इज फ्रॉम मिनीसो एंड दिस वन इज फ्रॉम द बॉडी शॉप। आई ऑल्सो यूज द नीविया वन समटाइम्स। बेसिकली गर्मियों में मैं नीविया यूज करती हूँ बिकॉज दैट्स अ लाइट मॉइस्चराइजर। आई यूज बॉडी शॉप वाला मॉइस्चराइजर बिकॉज इट्स वेरी लाइक गुड, मतलब काफी हैवी मॉइस्चराइजर है ये एंड मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो दिस वर्क्स रियली गुड। एंड जब थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है देन आई यूज दिस मिनीसो वन बिकॉज ये थोड़ा लाइट मॉइस्चराइज करता है। सो आई कीप स्विचिंग बिटवीन देम एंड आई लव देम बोथ, दोनों काफी अच्छे हैं। नीविया वाला भी बहुत अच्छा है और काफी सस्ता भी है, सो आई थिंक दैट वॉज works well, but for me moisturizer is important, so I invest in a good moisturizer. And for your lips you can use any lip balm with SPF. So SPF is really important. आपकी स्किन पे आप सनस्क्रीन लगा लेते हो पर आपके लिप्स काफी डैमेज होते हैं क्योंकि ट्रैवल करते टाइम काफी सन रेज होती है हार्श एंड इट डैमेजेस योर स्किन and your lips. So you need an SPF wala lip balm. I am using this baby lips tinted moisturizer lip balm. I'm using this baby lips SPF and tinted lip balm. Now the last step and the step that you should not miss at all is a sunscreen. Now I am using this Neutrogena one right now. This is 50+ SPF जो कि काफी अच्छा होता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप 50 या 55 या जितना हायर आप SPF लगा सकते हो उतना बेटर है। बट आई थिंक न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शेयर एंड जो लोटस हर्बल्स का आता है मैट जेल, वो दोनों काफी अच्छे हैं। मुझे मैट वाला वो मतलब लोटस हर्बल्स का ज्यादा पसंद है बिकॉज दैट्स वेरी लाइट ऑन द स्किन। बट दिस इज गुड टू, दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस आउट, मतलब इस ट्रिप पर मैंने ट्राई किया, बट दिस इज गुड टू। बट आई वुड सजेस्ट यू टू गेट द
lotus one, if not this. So that's all that I do for my skincare in the morning. And night time mein I add a few more steps, but and matlab isme to kuch kam ho jate hain steps, and I add some newer steps. So if you want to see the night care routine too, let me know guys. I will definitely make a video of that. I promise you guys ki main video ke end mein ek aapko chote se tips aur hacks bhi bataungi jo aapki skin ko kafi damage kar dete hain. So let's get in there. सबसे पहली चीज़ जब आप अपना फेस वॉश करने जा रहे हो या अपने फेस पे कुछ लगाने जा रहे हो, अप्लाई करने जा रहे हो, सबसे पहली चीज़ है यू नीड टू वॉश योर हैंड्स वेरी प्रॉपरली. मतलब हम लोग ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बट वी टेंड टू स्किप देम. Always wash your hand before you wash, you know, wash your face or touch your face or apply anything on your face. तो पहले आप हाथ धोइए. And then after that, make sure that you are washing your face well before applying something. जैसे अगर आप serum लगा रहे हो, या आप face pack लगा रहे हो, या आप face mask लगा रहे हो, आप जो भी लगा रहे हो, wash your hands and then your face first. ताकि जो आप लगा रहे हो, उसके जो good serums हैं, उसके अंदर के जो vitamins हैं, जो भी हैं, वो आपके skin में, clean skin में absorb करें and वो react ना करें. Next चीज है कि अगर आप जैसे towel लेते हो, जैसे ये मेरा टॉवल है, जस्ट सपोज आई वॉश माई फेस, एंड हम लोग क्या करते हैं ना, ये हम लोग ऐसे 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 करके फेस वॉश करते हैं, विच इज अ नो नो. मतलब नहीं करना है, नॉट एट ऑल. इससे स्किन आपकी काफी डैमेज होती है, रिंकल्स ज्यादा होंगे आपके, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नीड एंड यू डोंट वॉन्ट. जस्ट टेक अ क्लीन टॉवल, ओके, एंड जस्ट पैट इट ड्राई. बस आप अपने फेस पे रख के लेट द वॉटर गेट अब्सॉर्ब एंड यू गुड टू गो. नेक्स्ट चीज़ है कि आप अगर फेस वॉश कर रहे हो, आप अपने फेस पे क्लेंजिंग कर रहे हो, आप सेरम लगा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ऑलवेज अप्लाई इन एन अपवर्ड मोशन. लाइक ऐसे 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 नहीं करना है, जस्ट अप्लाई इट इन अपवर्ड मोशन. एंड मतलब कि ना, अपनी स्किन को नीचे नहीं करना है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड इट अब्सॉर्ब्स बेटर, एंड आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, आपको रिंकल्स भी नहीं आते हैं. तो जितना कर सकते हो थोड़ा थोड़ा ही सही, डू दैट. बिकॉज ये कुछ भी हैवी नहीं है, दिस इज अ वेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन, बट देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो टू डू इट इन द राइट वे. नाउ आफ्टर दैट, दो चीजें ऐसी हैं, सेरम्स एंड सनस्क्रीन्स, जो लोग क्रीम्स जैसे लगाते हैं, नो दे जस्ट ब्लेंड इट ओवर इन द फेस. नहीं, ऐसे नहीं करते हैं. वॉट यू नीड टू डू इज, आई शो यू गाइस, टेक सनस्क्रीन. आई एम शोइंग यू विद द सनस्क्रीन बिकॉज मुझे ऑलरेडी लगानी थी. ओके, फिंगर्स के बीच में उसको थोड़ा सा वार्म अप कर लो एंड देन जस्ट अप्लाई इट. ओके, आप एक लेयर लगा लो उसकी, एंड आफ्टर दैट यू हैव अप्लाइड द लेयर, जस्ट पैट इट इन. ओके, आई नो दिस विल टेक एक दो मिनट एक्स्ट्रा ही लगेगा, बट This is how it has to be done, because इससे जो उसकी goodness होती है वो आपकी skin में absorb हो जाएगी, ना कि ये आपके हाथ में खत्म हो जाएगा. But आप जैसे मतलब blend करते हो ना, उससे आपके हाथ में आधे ज्यादा nutrients रह जाते हैं उसके, and it doesn't work as it should. So always pat it dry. This goes for serums and sunscreens too. There's one more important point. जब हम travel कर रहे हो तो definitely मतलब ज्यादातर हम क्या करते हैं कि we carry one towel. एंड उसी तरह फेस भी वॉश करते हैं, उसी तरह बॉडी भी वॉश करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. यू ऑलवेज नीड टू कैरी अ सेपरेट टॉवल फॉर योर फेस एंड योर बॉडी. अगर आप दो टॉवल नहीं कैरी करना चाहते तो कैरी अ लॉट ऑफ नैपकिन्स, बट दैट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. सो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप अ स्मॉल टॉवल लाइक दिस, या फिर इससे भी छोटी आप रख सकते हो, एंड ऑलवेज कीप योर टॉवल लाइक क्लीन. तो फेस टॉवल आप हमेशा अलग रखना, यू विल डेफिनेटली सी गुड रिजल्ट्स. एंड द बेस्ट थिंग इफ यू नीड टू कीप योर स्किन हेल्दी इज ईट हेल्दी एंड ड्रिंक अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट्स ऑफ वाटर. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर माई स्किन केयर रूटीन, लाइक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. मैंने काफी आपको जो जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर पसंद आई हो एंड यूज दिस, एंड अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट किया आपकी स्किन में, तो मुझे जरूर बताना एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जिनको ट्रैवलिंग पसंद है बट दे आर स्केप्टिकल अबाउट अपने स्किन को कैसे हेल्दी रखे. सो आई होप दे लाइक द वीडियो टू. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नाइट स्किन केयर रूटीन के साथ अगले हफ्ते. टिल देन सी यू, बाय बाय. एज यूजुअल मैं बताना भूल गई थी कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना. एंड अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, यू लाइक टू विजिट न्यू प्लेसेस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको वीडियोज पता चल जाएंगे. घंटी जरूर बजाना तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी. एंड यू कैन ट्रैवल विद मी ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम टू, बिकॉज आई शेयर अ लॉट ऑफ
content on Instagram. Like, I am very active there. So don't forget to follow me there and see you in the next video from a new location and a new travel series. Bye.